अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक हो। मेरा नाम अबूज़र खान है और आप लोग देख रही है टेक्निकल अबूज़र। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग टिकटॉक पर नया अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, सब कुछ इस वीडियो में आप लोग नई वीडियो को एंड तक वॉच कर देना है और वीडियो का एक स्टेप भी मिस नहीं करना है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप लोग ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल अबूज़र को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों ने टिकटॉक ऐप को ओपन कर देना है। टिकटॉक ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने नीचे यहाँ पर आप लोग को अपने प्रोफाइल मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ने सिंपली अपने प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। प्रोफाइल पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग के साथ अगर कोई दूसरा अकाउंट है तो उसका प्रोफाइल यहाँ पर शो हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को ऊपर 3 लाइन मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ने सिंपली उस 3 लाइन पर क्लिक कर देना है और 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग के साथ सेटिंग एंड प्राइवेसी वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक कर देना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपने सिंपली लॉगआउट पर क्लिक कर देना है। लॉगआउट पर क्लिक करने के बाद अगर आप लोग अपने दूसरे अकाउंट का डिटेल को सेव करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना और पे इसके बाद यहाँ पर आपने सिंपली यहाँ पर आप लोग ने लॉगआउट कर देना है। लॉगआउट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग का जो अकाउंट है वो लॉगआउट हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ने नया अकाउंट कैसे बनाना है, यहाँ पर आप लोग के साथ यूज़ फ़ोन और ईमेल। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ने अपने फ़ोन नंबर और इसके साथ साथ आप लोग अपने अकाउंट में जीमेल भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जीमेल को सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं अपने अकाउंट को जीमेल पर बनाना चाहता हूँ। और इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने नीचे अपने जीमेल को लगा देना है। जीमेल को लगाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को नीचे नेक्स्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग के साथ क्रिएट पासवर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने 8 से लेकर 20 तक करेक्टर में अपने पासवर्ड को बनाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा वेट करें, मैं यहाँ पर अपने पासवर्ड को क्रिएट करता हूँ। जी बिल्कुल दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड को यहाँ पर क्रिएट कर दिया और क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आप लोग नीचे नेक्स्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर देना है। इसके लिए आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा वेट करें, मैं यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ जो है वो सेलेक्ट करके फिर उसे नेक्स्ट कर देता हूँ। जी बिल्कुल गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ को सेट कर दिया और फिर इसके बाद आप लोग ने सिंपली उसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्रिएट नेक्स्ट नेम। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ने अपने नेक्स्ट नेम को डाल देना है। इसके लिए आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा वेट करें, मैं यहाँ पर अपने नेक्स्ट नेम को यहाँ पर टाइप कर देता हूँ और टाइप करने के बाद यहाँ पर आप लोग ने कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जी बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नेक्स्ट नेम को टाइप कर दिया और फिर इसके बाद आप लोग ने कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे साथ लोडिंग हो रहा है और पेज के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे साथ नया अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर मैं आप लोग को अपने प्रोफाइल पर आता हूँ और पेज के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे जो प्रोफाइल है उस पर कोई भी फोटो अपलोड नहीं हुआ है। जी बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आप लोग लाइक फॉलोइंग फॉलोअर सब कुछ जो है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 0 है। तो इसी तरीके से आप लोग अपने टिकटॉक नए अकाउंट जो है बना सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपने अपने प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है और प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ से अपनी गैलरी में कोई भी फोटो को सेलेक्ट करके अपने प्रोफाइल पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा वेट करें, मैं यहाँ पर प्रोफाइल के लिए एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर देता हूँ। फ़ोटो को सेलेक्ट करने के बाद आप लोग ने यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आप लोग का जो फोटो है, प्रोफाइल फ़ोटो है, वो यहाँ पर आप लोग के अकाउंट पर लग जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपनी प्रोफाइल लगा दिया है। तो आप लोग इसी तरीके से अपने टिकटॉक का नया अकाउंट बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग के साथ और कोई भी मसला हो तो आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी शेयर कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दे दिया है, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।